तो यार आज हम ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक अनजान दुनिया से आया हुआ एक अनजान दुनिया में आ जाता है। उसको वही अनजान दुनिया वाले पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक गरीब घर में वो अपनी अनजान माँ के लिए मेहनत करता है और अपनी मेहनत से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तख्ते पर बैठता है। तुमने सही समझा है, ये कहानी किसी और पे नहीं ताइमा की है, जिसमें सेन से लेके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक की कहानी बताई गई है। ये एक फैन मांगा है। इसके सभी क्रेडिट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसने इससे पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, जो ये कहानी को सुनने के लिए नया है। ताइमा, आखिरकार ताइमा उस पानी को लेके जो उसके जहापना को चाहिए होता है, वो उस पानी को लेके रेगिस्तान की कड़ी धूप में अपना सफर घर की तरफ तय करने निकल पड़ता है। उस पानी को लेके वापस जाते वक्त वो देखता है वही लोग जिनको राजा ने हुक्म दिया होता है ताइमा के साथ जाने के लिए। वो उस शख्स को परेशान करते होते हैं जिसने ताइमा को खाना देके सफर के दौरान मदद किया होता है। वो चारों शांपा जैसे दिखने वाले शख्स से खाना छीनने के लिए झगड़ते होते हैं कि ये खाना उनको दे दिया जाए, पर दूर से ताइमा इस चीज को खड़े खड़े देख लेता है और वो शांपा जैसे दिखने वाले की मदद के लिए तुरंत पहुंच जाता है। और पहुंचते के बाद ही ताइमा उनसे कहता है कि वो लोग उसे अकेला छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर वो उसकी नहीं सुनते हैं। वो लोग ताइमा की बात का ये जवाब देते हैं कि नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लोगे, और इसी के साथ ही वो ताइमा पर हमला कर देते हैं। पर अफसोस, वो शख्स ताइमा को अंडर एस्टिमेट कर देता है और ताइमा को देखकर उसके बाकी साथी भी चौंक जाते हैं कि ताइमा इतने ऊपर कैसे हो सकता है। वो ये देखकर वहां से डर के भाग जाते हैं। शांपा जैसे दिखने वाला शख्स ताइमा के पास आता है और कहता है, शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। ताइमा खुद को देखता होता है और अंदर से उसको रिग्रेट होता है कि शायद उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था और उसको लगा नहीं था कि उसका हाथ उठाना इतना भारी पड़ जाएगा। ताइमा कहता है, शायद तुमको वो खाना शेयर कर देना चाहिए था। शांपा जैसे दिखने वाला शख्स कहता है, बात शेयर करने की नहीं है, अगर उन्होंने मुझे एक अच्छे तरीके से पूछा होता तो शायद मैं उनको दे भी देता, पर ये सब बात छोड़ो, मेरे ख्याल से तुमको दूर का सफर तय करना है और तुम्हें अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सफर लंबा है और रात का सफर तय करना सही नहीं। मैं अपने फादर का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ताइमा कहता है, सही कहा, मुझे अब जाना होगा, चलो फिर कभी मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। पूरे रेगिस्तान में सफर तय करने के बाद ताइमा उस पानी को लेके अपने मोहल्ले में वापस से पहुंच जाता है, जिसको हम कबीला बोलेंगे, क्योंकि इजिप्ट में जहाँ पहले शहर और बस्तियां हुआ करती थी उसको कबीला कहा जाता था। ताइमा के नजरों के सामने उसका कबीला होता है और सभी कबीले के लोग उसका इंतजार करते होते हैं। राजा ताइमा के सामने आता है और ताइमा को कहता है, तो तुमको आखिरकार सफलता मिल चुकी, वैसे पानी कहाँ है वो वाला? जी हुजूर, ये रहा, शुक्रिया, मैं काफी खुश हुआ जो तुमने मेरे लिए किया। अब आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। वो ताइमा को एक ऊपर की जगह पर लेके जाता है और वहां से उसको अपना पूरा शहर दिखाता है कि ये देखो ताइमा, तुमने क्या किया है, तुम हमारे लिए पिरामिड्स बनाने में मदद कर रहे हो, तुमको पता है इससे क्या होता है? द पावर सिटी। बहुत बढ़िया, पर कैसे, मुझे बताने का मौका दो। सूरज एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, हर पिरामिड सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और वो उस एनर्जी को बैटरी में भेजता है जिससे हमारे कबीले को पावर मिलती है। क्योंकि हमारा कबीला रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच में है, तो हमने उसके बदले कैसे पानी मिलता है, कैसे खाना मिलता है, हमने ये सब डेवलप किया है। पर मेरा एक सवाल है, क्या आप सच्ची में इस पानी से डरते हो? राजा हंस के इस सवाल का जवाब टाल देता है कि तुम भी ना ताइमा। वो कहता है, उसका पानी से काफी खराब एक्सपीरियंस रहा है। अब ध्यान देना, वो बात को घुमाता है, इसका साफ जवाब नहीं देता। वो ताइमा को आसमान दिखा के कहता है, बस कुछ और दिन बाकी है, वो 7 दिन आने ही वाले हैं, जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और हमें इस पानी की मदद से अपने कबीले को पावर देते रहना है, और ये 7 दिन तक के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ताइमा, मेरा पूरा पैलेस 7 दिन के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम पर करता हूँ, जो पीना है पियो, जो खाना है खाओ, जो मजे करना है वो करो। और ये कहते कहते वो यहाँ से चल के निकल जाता है और राजा की शक्ल से तुम देख सकते हो वो ताइमा के सवाल से उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है कि कहीं ताइमा उसकी कमजोरी की और उसके राज की जड़ ना पकड़ ले, वरना ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं होगी। और कहानी जाती है ताइमा पर, क्योंकि राजा ने 7 दिनों के लिए अपना दरबार ताइमा को दे दिया होता है, तो ताइमा उस चीज का पूरा फायदा उठाता है, नहाता है, खाता है, नाच देखता है, गाने सुनता है। पर इस दौरान उसको अपनी माँ की याद आती है। चलते चलते वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ बैठी हुई है। अपनी माँ से वो पूछता है, आर यू ओके? ताइमा की माँ कहती है, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकती। ये सुन के ताइमा की रोने जैसी शक्ल हो जाती है और वो अपनी माँ को सीने से लगा लेता है कि मुझे माफ कर देना। ताइमा की माँ उसे शांत करती है कि कुछ नहीं हुआ ताइमा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। ताइमा पूछता है, क्या है वो बात? आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ
क्योंकि लॉर्ड नूब ने मेरे फादर का मर्डर कर दिया था और मेरे फादर एक प्राउड वॉरियर थे। नूब अपने को भगवान कहता था पर मेरे फादर को पूरा विश्वास था कि नूब जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, और इसीलिए उसके फादर ने लॉर्ड नूब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जिसमें वो मारे गए। ताइमा ये सुन के गुस्से में आ जाता है। ताइमा की मॉम के फादर को नूब ने इसीलिए मारा क्योंकि उसने बगावत कर दी थी। ताइमा कहता है पर मॉम अब हमें लॉर्ड नूब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम उनके खास हैं। ताइमा की मॉम उसकी बात को टालते हुए कहती है यही तो दिक्कत है, जितना तुम उसके करीबी बनोगे उतना तुम्हारे लिए वो थ्रेट बनता जाएगा। मेरे फादर भी एक वक्त पर उनके लिए खास हुआ करते थे। तुम जितना भी नूब के नजदीकी होगे उतना तुम पर खतरा मंडराता जाएगा। उसके बाद ताइमा अपनी माँ को समझाता है कि उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। और ये कह के वो कहता है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में बाहर से, जब तक आप आराम करिए। अब ताइमा अपने इलाके की गलियों में चलता होता है और उसको मदद की आवाज आती है दूर से। वो उस आवाज की तरफ भागते भागते उस शख्स के पास पहुंच जाता है जो मदद के लिए यहाँ वहाँ गुहार लगाता होता है, और ताइमा देखता है उसके पीछे 3-4 जंगली भेड़िया पड़े हुए हैं। और वो वक्त होता है रात का, और जैसे ही उसकी नजर जाती है चांद की तरफ ताइमा द ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता है, और यहाँ आके कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है मैं इसका ये वाला पार्ट काफी दिनों बाद लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अब पूरी कोशिश होगी ताइमा की कहानी को मैं ये महीने के अंदर या तो अगले महीने तक मैं कैसे भी करके खत्म कर दूं। और तुम लोग भी यार गुस्सा मत हो, तुम लोग भी समझा करो यार, इतने ज्यादा वीडियोस होते हैं, कभी मोरो की, कभी ये न्यूज पे कवर करो, कभी वो न्यूज पर कवर करो, तो उसमें मेरे खुद के दिमाग से निकल जाता है। बस आप लोग सपोर्ट करो यार चैनल को और सब्सक्राइब करो, जिससे हम जल्दी से जल्दी 300 के आंकड़े पर पहुंच पाए यार। और वीडियो को लाइक करो और बताओ कि आज की वीडियो तुमको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।